गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषभ। मैं आपका दोस्त चिंजित पान आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पौनो सिटेकर्स क्लब में। तो आज ऋषभ में हमारा दूसरा दिन है और फिलहाल तो हम व्यू पॉइंट में है और पीछे हमारे देखिए पूरा कोहरा छाया हुआ है और इस तरफ थोड़ा 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 करके सूरज निकल रहा है पहाड़ी के, मतलब सूरज वहां से हम लोगों के साथ लुका छुपी खेल रहा है। और पीछे यहाँ कंचनजंगा पूरा ढका हुआ है कोहरा में और अभी फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो है, करीब करीब एक दो पकड़ के चलिए, मेरा हाथ पूरा सुन हो रहा है फिर भी कान मान खुला हुआ है, सिर खुला हुआ है सब, देखिए यहाँ टोपी पहन के लगा हुआ है मैं खोल दिया सब ऊपर से, बस कुछ नहीं कोशिश कर रहे कि फोटो लेने के लिए और फोटोग्राफी सेशन चल रहा है। ये देखिए छोटा सा कंचनजंगा यहाँ पे निकल रहा है, ये देखिए यहाँ पे कंचनजंगा निकल रहा है छोटा सा, ठंडी में हाथ कांप रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है मगर निकल रहा है, वो देखिए निकल रहा है, देखिए कितना सुंदर सनराइज हो रहा है। जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं तो ऋषभ में जो सबसे मेन जगह था वो अब सबको मैंने दिखाया नहीं, हमारा जो रूम था वो है ये है, ये देखिए बिस्तर ये सब बिखरा पड़ा हुआ, टेबल में कैमरा लगा हुआ, कुर्सी में सब पड़ा हुआ है बिखरा, ये रूम है। और यहाँ से खिड़की खोलेंगे तो सामने से ही आपका कंचनजंगा का व्यू दिखाई देता है मगर फिलहाल तो अभी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सब ढक गया है धुंध के कारण तो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम थोड़ा रूम में आए। यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे प्रॉब्लम जो मैंने देखा जो अक्सर सब पहाड़ी इलाका में होता है, यहाँ बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि बिजली दिन में कुछ घंटे रहती है, ज़्यादातर समय चली जाती है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का बिजली का जो वायर आता है वो बहुत दूर से लटकता हुआ आता है तो सब प्रॉब्लम होता है ऐसा कुछ। तो यहाँ आइए तो आप अपना पावर बैंक ज़रूर कैरी कीजिए, मोबाइल वगैरह या कैमरा वगैरह चार्ज करने के लिए जितना हो सके, और मतलब टॉर्च फ्लैश लाइट मोबाइल का कम जलाइए, उसके लिए पोर्टेबल फ्लैश लाइट लाइए जिसमें सेल लगता है छोटा छोटा, उसमें से क्या होगा आपको सुविधा कि उसका सेल आप रिप्लेस कर सकते हैं, बैटरी का तो रिप्लेस नहीं हो सकता, चार्जेबल सेल है तो उसका सेल आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो टॉर्च यूज़ कीजिए तो वो काम में आएगा। पावर बैंक का पावर जितना बचा सकते हैं मोबाइल कैमरा के लिए बचाइए, इससे क्या होगा कि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा, जहाँ पर आपको कनेक्टिविटी अच्छा मिले वहाँ पर जाकर चार्ज कर लीजिए फिर से। तो ये सब बात है और ऋषभ बहुत सुंदर जगह है, मैं बार बार आपको व्यूज दिखा रहा हूँ और फिर अभी सूरज पूरा ऊपर आ गया है, बाहर जाके मैं फिर एक बार आपको जो व्यूज है वो दिखाऊंगा और देखते हैं। आज का दिन तो साइट सीन का नहीं है, तुरपिंदारा व्यू पॉइंट तक जाएंगे और यहाँ पे घूमेंगे क्योंकि अभी इस टाइम में मतलब आज दिसंबर का 29 तारीख है, ओ आज मेरा जन्मदिन है यार भूल गया था, चलो 29 तारीख को आज दिसंबर का 2020 में यहाँ पे हमने लावा मोनेस्ट्री के पूछा था, लावा मोनेस्ट्री बंद है, वो कैनोपी बाग लोलेगांव वो भी बंद है, सिर्फ खुला हुआ है तो नेवरा वैली नेशनल पार्क और आपका चांगे फॉल्स ये खुला हुआ है और तुरपिंदारा तो व्यू पॉइंट खुला ये हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं तो कोशिश करेंगे अगर नेवरा वैली जा सकते तो जाएंगे वरना यहीं पर रुक जाएंगे आज का दिन, फिर कल लेफ्ट जगह जाके वहाँ पर विजिट करेंगे, बाकी दार्जिलिंग का साइड सीन, नेपाल का साइड सीन, पशुपति मार्केट मिरिक वगैरह ये सब कल घूमेंगे, कल परसों दो दिन वहीं रहेंगे, वहाँ रह के घूमेंगे। तो फिलहाल आज यही रहने का प्लान है, अगर
बाद में प्लान चेंज होता है तो नैरो गाड़ी जा सकते हैं बस। तो अभी हम लोग व्यू पॉइंट में ब्रेकफास्ट हो गया हम लोग का, और हम अभी यहाँ बैठे हुए फिलहाल, अभी बाद में ऊपर तुरपिनधारा व्यू पॉइंट है वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि कैनोपी वॉक तो बंद है, वहाँ भी नहीं जा सकते, लावा वन से बंद है। नैरो वैली नेशनल पार्क खुला हुआ था मगर फिलहाल वहाँ जाने का इच्छा नहीं कर रहा है ये सीनिक ब्यूटी छोड़ के। तो आज हम यही रहेंगे, कल जाते वक्त देखते हैं, अगर होगा तो घूम के जाएंगे लेप्चा जगत जाते वक्त। लेप्चा जगत जाते वक्त थोड़ा घूम के सोच रहे कि तीन चूलो या रामधुरा होके जाए, देखते हैं क्या होता है कल। आज का दिन यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर धूप निकला हुआ है, खिला खिला, और वेदर बहुत अच्छा लग रहा है, फैंटास्टिक लग रहा है। तो फिलहाल अभी ऊपर चलेंगे, चलिए देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू है। ऋषभ चढ़ते वक्त जो पाइन फॉरेस्ट देख रहे थे हम, वहाँ से पैदल आते आते वही पाइन फॉरेस्ट में आ गए। देखिए पीछे फॉरेस्ट, मतलब करीब करीब 1 किलोमीटर पैदल आए हैं सिर्फ यहाँ तक देखने के लिए ये जगह। इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा फोटो वोटो खींचेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर जगह है ये, इसका एटमॉस्फेयर मतलब थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर है, थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर। चलिए अंदर जाके आपको वीडियो बना के दिखाएंगे थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर का। तो रास्ते से हम लोग करीब करीब 150-200 मीटर ऊपर आए हैं। ये ट्रेल है ऊपर टिफिनधारा व्यू पॉइंट के लिए, हम वहाँ जा रहे हैं धीरे धीरे। साल भर हो गया ट्रेक नहीं किया एक भी, थोड़ा सांस फूल रहा है, और यहाँ पे तो ऐसा प्रिपरेशन भी नहीं है, वैसे प्रिपरेशन रहने से थोड़ा कम प्रॉब्लम होता, मगर ठीक है कोई बात नहीं। ये तो हमारा मतलब क्या बोलते रग रग में बैठा हुआ है, तो चलते चलते अंदर कुछ ट्रेल दिखाते हैं। हम जा रहे हैं तुरपिनधारा व्यू पॉइंट के लिए, रास्ते से करीब करीब 1/2 किलोमीटर तो ऊपर होगा ही होगा। थोड़ा ऑफबीट टाइप रूट है, और आपको ट्रेल नहीं मिलेगा, बोलेगा कि यहाँ पे लगेगा कि कोई नहीं आता है, मगर आइए, अच्छी जगह है, कोई भी आ सकता है, कोई बात नहीं। और सुंदर एटमॉस्फेयर है, ऊपर जा रहे हैं हम लोग। फाइनली 15 से 20 मिनट ट्रेक करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंचे हैं। नहीं नहीं उतना टाइम नहीं लगा, 15 से 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट लगा होगा। हम फाइनली पहुंचे टिफिनधारा व्यू पॉइंट। ये रहा टिफिनधारा व्यू पॉइंट।
व्यू फ्रॉम दूरबीन धारा, टिफिन धारा। यहाँ से सामने कांचनजंगा दिखाई देता है, मगर फिलहाल तो पूरा धुंध छा गया, नहीं दिखाई देगा। और ये पूरा पाइन फॉरेस्ट के अंदर, देखिए पूरा चारों तरफ पाइन फॉरेस्ट। यहाँ पे एक बेदी बना हुआ है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। ये देखिए नीचे बेदी, ये बेदी बना हुआ है नीचे ऐसा, इसके ऊपर हम खड़े हैं। कुछ स्तूपा टाइप एक्चुअली है ये। ये देखिए यहाँ से ये सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर आके ये कुछ स्तूपा टाइप है। यही है टिफिन धारा। यहाँ पे आपको अगर सुबह आ सकते हैं सनराइज से पहले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सुंदर व्यू मिलेगा आपको। टिफिन धारा घूम के अभी हम होटल में वापस जाएंगे, वहाँ जाके लंच करेंगे। और बाल वाल खराब हो गए पूरा, लंच करेंगे फिर शाम को कैंप फायर वगैरह जैसा कल हमने किया था वैसा करेंगे। और परसों मॉर्निंग को, कल मॉर्निंग को हम निकल जाएंगे यहाँ से लेफ्ट जगत की ओर। फिलहाल रिशॉप, मेरे हिसाब से अगर आपको रिशॉप आना है तो ये टाइम सबसे बेस्ट है, दिसंबर महीने में आइए। बहुत अच्छा ठंडा क्लाइमेट भी लगा, यहाँ पे बर्फ़ भी गिरता है, तो आपका अगर किस्मत अच्छा हुआ तो बर्फ़ भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ऋषभ को 100 में 100 मैं देता हूँ, तो बहुत ही अच्छा है। बस और भी यहाँ साइट सीन में नेवड़ा वैली नेशनल पार्क है, मगर वहाँ हम जा नहीं सके, मेरा बैड लक है। फिर मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा यहाँ आने के लिए और वो सब जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए होटल चलते हैं, वहाँ जाके लंच करते हैं। 4-5 किलोमीटर घूम के आने के बाद दबा के भूख लगी है, तो हम लोग अभी खाना खाने जा रहे हैं। दोपहर का लंच शायद चिकन और राइस होगा, दबा के भूख लगा है। जल्दी जल्दी आएंगे, खाना खाएंगे, फिर देखेंगे, चिल करेंगे। भूख लगा था, दबा के आपका राइस और चिकन खा लिया। अभी यहाँ पे शाम का बारबेक्यू के लिए चिकन ढूंढने जा रहे हैं, देखते कहाँ से कितना मिलता है जी। तो लंच करके आके जबरदस्त नींद आ रहा था, तो हमने सो लिया बम्पर घूम सो के। और अभी फिलहाल तो टाइम हुआ है आपका 5:30 बज रहा है शाम के। अभी जो उठेंगे थोड़ा फ्रेश होके जाएंगे कैंप फायर लगाने के लिए। चलिए रेडी हो जाते हैं। गुड इवनिंग। सो केक वेक काटने का प्रोग्राम जो था वो हो गया। अभी फिलहाल तो बबिक्यू चल रहा है, लगाया हुआ है पूरा टीम, देखिए सब लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे में फिलहाल। देखो बच्चा पार्टी इधर बैठा हुआ है, बबिक्यू चल रहा है। तो अभी ये सिलसिला चलेगा 1-2 घंटा, फिर खाना वाना खाएंगे और आगे का जो कार्रवाई होगा वो होगा। और कल सुबह यहाँ से हम 7 बजे निकलेंगे टूवर्ड्स लिप्चे जगत, फिर वहाँ के बाकी साइड सीन दार्जिलिंग वगैरह नेपाल का साइड सीन बाकी वहाँ से करेंगे। चलिए बाबी की नहीं 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 चलो ना 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 ना